है, भरोसा नहीं है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई गलत काम नहीं करती है। हम डेमोक्रेसी को कोई दुकान नहीं बनाते हैं। जो लोग परिवार और पैसे के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, वो लोग ये सब धंधा करते हैं। जो लोग चिंता उनको है, जो लोग विधायक को लेकर के भागे हैं, हम लोगों को चिंता नहीं है। तनाव में वो लोग दिख रहे हैं जो कहीं कभी हैदराबाद, कभी रायपुर, कभी यहाँ, कभी वहाँ चेहरा छुपा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, चाल और चरित्र एक है। ये चेहरा बदलने वाले लोग सोचे कि उनके ऊपर क्या गुजर रहा है। मुझे तो ये जानकारी है कि यहाँ से हैदराबाद जाने से पहले जब कांग्रेस के विधायकों ने बगावत किया तो प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए दे करके उनको फ्लाइट में बैठाया गया। अब फ्लाइट से आते समय बस में वो लोग नहीं बैठ रहे थे, उस समय उनको दक्षिणा दिया गया। अब गेस्ट हाउस से आते समय कितना दक्षिणा लेकर के वो यहाँ आएंगे, और आएंगे तो क्या वो चंपई दादा के साथ खड़े रहेंगे? मुझे चंपई दादा के भविष्य की चिंता हो रही है। देखिए, चंपई दादा के भविष्य का चिंता हमको हो रहा है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हेमंत जी हमारे भाई हैं, आज वो जेल में है। ये कांग्रेस जो है, जिसको जिसको चाहता है, जब चाहता है वह जेल भेजता है, या उसका इतिहास रहा है। चाहे ललिता जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी के पूर्व में रहा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, आप इतिहास उठा करके देखिए। इवन शिबू सोरेन जी और मधु कोड़ा झारखंड के एग्जाम्पल है। हम लोग जैसे लोग को भी कांग्रेस ले जाती है, फंसाती है और जेल में डालने का काम करती है। मैं चंपई दादा से यही कहूंगा कि आप कांग्रेस से कृपया सतर्क रहें। वेब भी कल जारी हुआ है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग राज्य के हित में, देश के हित में किस प्रकार से हम लोग प्रयास करें, काम करें, उसको लेकर चिंतित है। और निश्चित तौर पर जो संवैधानिक प्रक्रिया होगा उस पर हम लोग पालन करेंगे। देखिए, जेएमएम का डरना लाजमी है, क्योंकि वो लोग बिकने के लिए तैयार है। कोई खरीदे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार है। इसलिए क्योंकि वो अपने गिरवान में जब देखेंगे तो कई उनका इतिहास भयावह रहा है। चाहे वो फल वाला जो है विधायक को बेचने वाला काम कर रहा हो, या फिर आपको देखिए कि किस प्रकार 45 लाख रुपए जो है बंगाल में पकड़ा गया हो, तो निश्चित तौर पर उन लोगों की फितरत है बिकने की। लेकिन मैं विधायक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विधायक होने के नाते यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है, और संविधान और नियम संगत जो काम होगा वही हम लोग। ऑपरेशन लोटस ऐसी कुछ है ही नहीं, ये मीडिया के द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है। मुझे ऐसा लगता है कि डर उनके अंदर इसलिए है क्योंकि अपने में उन लोगों की असहज स्वीकार्यता नहीं है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पे और पॉलिटिकल टूरिज्म पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बिरयानी खाने वो लोग हैदराबाद गए हैं, और अपने जो है विधायकों की निगरानी करना यही दर्शाता है कि किस प्रकार से जो ट्रस्ट डेफिसिट है इन विधायकों में है। मैं कह रहा हूँ कि उनके बिकने के लिए जब आदमी मार्केट में तैयार रहता है तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो है ट्रस्ट का डेफिसिट होता है। खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये तो अलग ही मुद्दा है, ये तो सुपरफिशियल चीज़ है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर वो लोग बिकने के लिए क्यों तैयार है, ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है। देखिए, चंपई सोरेन एक रबर स्टैंप है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी कार्य हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में किया उसकी जांच अगर ये करा दे तो मुझे लगता है कि 9 महीने की सफलता में ये गिना जाएगा। युवाओं को नौकरी दे दे, मुझे ऐसा लगता है कि इसी में इसकी सफलता है। अन्यथा मुझे लगता है कि रबर स्टैंप की तरह ही ये सरकार चलेगी, और इसके जो मुखिया आज की डेट में चंपई सोरेन जी है वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और झारखंड के विकास की बात नहीं कर पाएंगे। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 परमार सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।